तो बच्चे घर में कहते हैं पापा जी पैसे लाओ, पैसे नहीं है हमारे पास, कहाँ से लाएंगे हम पैसे? तो हमें हमारे बच्चे नहीं है घर में, आप लोग तो ईद बनाएंगे हंसी खुशी से मनाएंगे, हमारे बच्चे क्या बनाएंगे? बीजेपी को हम बना सकते हैं, बीजेपी को जड़ से खत्म कर सकते हैं। खून पीना छोड़ दो। एलजी इंतजामिया है, इतना गंदी सरकार हमने कभी नहीं देखी है। एलजी सरकार में जो होती है जनता के हित के लिए काम किए जाते हैं, मगर जे शोषण कर रही है, वेजेस काट रही है और कुछ भी करने नहीं, नलायक गंदी बहरी अंधी सरकार है। और जे उनकी नाकाबली है कि आज डेली वेजर जो हताश निराश है और इस प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है अपने काम छोड़ के। ईद को जगाइए, फिर जब इलेक्शन का ढिंढोरा पिटोगे तब हमारे पास आओगे, बस हमारे पास कोई जवाब नहीं होगा। हमारा परमानेंट वापसी लागू करेंगे या नहीं करेंगे तो हमें निकाल दें, हमारा एक ही काम है, या तो हमें बाहर निकाल दो या तो हमें परमानेंट वापसी दे। इनकी बात को हम सुनते हुए 8 साल हो गए, लेकिन ये ऐसा काम करेंगे जालम सरकार ऐसी आज थोड़ी नहीं देखी। हर जगह रोड पर हाहा हो रहा है, बिजली वाले पक्के कर दिए, बिजली वाले को सैलरी मिलने शुरू हो गई, 300-400 आदमी को परमानेंट बना दिया, पॉलिसी तो फ्रेम होने लगी। बिजली पीएचसी वालों को कौन से जुल्म किया है, क्यों इनको दो पार्ट बना के रखा हुआ है, हमको मजबूरी आकर रोड पर अब बार बार हमने अपनी मुगार लाना पड़ती है, इन्होंने करना चाहिए था जोर से, हम क्यों करेंगे कि हमारा भी बच्चा है उनका भी बच्चा है, एक ही स्कूल में पढ़ता है, हमारे बच्चों को निकाल रहे हैं कि आपके पास पैसे नहीं है भाई, आप यहाँ कुर्सी में यहाँ बैठने का अधिकार नहीं है आपको। तो बच्चे घर में कहते हैं पापा जी पैसे लाओ, पैसे नहीं है हमारे पास, कहाँ से लाएंगे हम पैसे? तेरे राज में बच्चे भूखे सोते हैं, तेरे राज में बच्चे भूखे सोते हैं। रोडन जी और क्या करना है, हम इनका ही पेट सियाबा करना है, जल बार बार करना है, किसके पे करवाएं, जालिम के आगे ये रोके सुनते नहीं है। अब ये इनको जगाने का वक्त आ गया, हम इसके लिए गर्दन कटा देंगे, रुकने वाले नहीं है, जब तक ये सारो चोट लागू नहीं करेंगे, पॉलिसी रिलीज नहीं हुई, हम रुकने वाले नहीं है। जय हिंद जय भारत। हम करेंगे पूरा काम। तेरा नाम रामलाल है, अस कुंड हरियाली रौह्ने वाले हैं, मैं 25 साल होइए नौकरी करदे, और अज तक बच्चे जेके स्कूल पढ़ा दे हुंदी पढ़ाई छड़काइया भी इन्हां नौकरी करदे रह गए, चलो किस बनो, अज तक इस गौरमेंट ने जेका साडा कुछ नहीं कीता है। हुण ते अपने मैं पिछे बीमार है, मेरे कोल कोई पैसा नहीं है, कर्जा चुकिया पैसे लाए दें, अज कर कोई सैलरी नहीं दी, कोई पैसा नहीं दिता, 17 महीने पे साड़ी बकाया है, अज तक कोई पैसा नहीं दिता है असें। '92 में जम्मू कश्मीर के कौन से मुख्यमंत्री थे, उसके बाद कितने मुख्यमंत्री आए, कौन कौन सी पॉलिटिकल सरकारें रही, आज 2022 चल रहा है, चाहे हमारी जो पिछले की सरकारें रही हो जो आज मौजूदा सरकार हो, उनसे हम स्पष्ट कहना चाहते हैं, जैसे कि बम बम बोले का आंदोलन हुआ था, आज इस मंच से पीएचई एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट जीरा करेलर से आपसे मांग भी करता है, और मैं जैसे चित्रण भी देता जाता हूँ, चाहे हमारे जितने भी पॉलिटिकल संगठन हैं, खास करके जो 25 विधायक जिता के हमने कैबिनेट में भेजे थे, उनसे मैं चेतावनी भी देना चाहता हूँ और मांग भी करना चाहते हैं, ये वक्त है, जैसे कि बम बम बोले के आंदोलन में जो पूरा विधायक पूरा कैबिनेट मंत्री आंदोलन में आया था, वही इलेक्शन के टाइम में दोहराया था, ये वही वक्त दोबारा आ गया है। आज जिला रियासी से हम इस आंदोलन को उबर करने की चेतावनी देते जाते हैं, हमारी मांग है SRO 64। मैं 25 पूरे विधायकों से कहना चाहता हूँ कि आप अपनी आंखें खोलिए, नींद को जगाइए, फिर जब इलेक्शन का ढिंढोरा पिटोगे तब हमारे पास आओगे, बस हमारे पास कोई जवाब नहीं होगा। मैंने कहा ना आपको, रियासी में बीजेपी खत्म हो गई है, बीजेपी डेली वेजरों से इतनी डरी हुई है और भागी भागी नजर आ रही है, उनको डेली वेजरों से बदबू आती है, उनको पता है डेली वेजरों को कोरोना हुआ है, सड़कों में सड़क शाप बना के रखा है उन लोगों ने। जय नंदा जी को देखा आपने सिला में क्या कह रहे थे, सिला में गए थे वो डेली वेजरों के खिलाफ, खिलाफत करने के लिए गए थे डेली वेजरों की, कह रहे थे पानी 1 घंटे के बाद आएगा, कौन सा बम लगाया जय नंदा जी ने? एक काम बताइए मुझे, डेली वेजरों के साथ में है बीजेपी, बीजेपी जो गांव भूल रही है, बीजेपी अगर बीजेपी को हम बना सकते हैं, बीजेपी को जड़ से खत्म कर सकते हैं। सरकार देखो अभी धर्मेंद्र सरकार चल रही है, रविंद्र सरकार पता नहीं कब आएगी, सपने देखना दिन में बंद कर दीजिए,
और जो हमने कहा है 25 के 25 नालायक विधायक भारतीय जनता पार्टी के एलजी प्रशासन के बाहर जाकर एलजी प्रशासन से बात करके डेली बेजर का करना क्या है, अन्यथा अगर 25 को जिता सकते हैं 50 को हरा सकते हैं। बीजेपी बोल रही है 50 पार, आप बोल रहे हराएंगे। देखो इतने ये सब कुछ बीजेपी आ गई यहाँ पार, घोड़ा भी थे मैदान भी थे, बीजेपी आ गई 50 के पार, घोड़ा भी थे मैदान भी थे 50 के पार। असे डेली बेजर रख रहे लोग, डेली बेजर डेली बेजर के कर देना, अस जाने एक के करा देना लाली पाप देने लोगों की बंद की जाए और जिला इंतजामिया पूरे होश वास करने सारी गल सुनी जेगी गल आखा देना, वरना कुर्सी डीसी की नहीं छटनी असें।